आज बोकारो जिले के कुमार मंगलम स्टेडियम में हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य परिसंपत्ति का वितरण और उपलब्धियों के आधार पर लोगों को सम्मानित करना रहा। आज बोकारो जिले के कुमार मंगलम स्टेडियम में हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से इस मेले का उद्देश्य परिसंपत्ति का वितरण करना था और कुछ उत्कृष्ट उपलब्धियों के आधार पर कुछ लोगों को सम्मानित भी करना था। इसी बहाने हेमंत सरकार ने 2 साल के जो भी विकास कार्य हुए उनकी प्रदर्शनी की एक झलक यहाँ पर लगाने का प्रयास किया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस समय मैं कुमार मंगलम स्टेडियम के मुख्य गेट पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आज हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा एक विकास का मेला, 2 साल की उपलब्धि अर्थात 2 साल विकास के, हेमंत सं विश्वास के, इस तरह का एक कार्यक्रम सरकार आपके द्वार के तहत चल रहा है। मुख्य आकर्षण मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कृषि अर्थात किसान लोगों ने कुछ उपलब्धि हासिल की है। यहाँ मैंने देखा है कि 50 केजी का एक रतालू जिसे किसान ने उपजाया है और साथ में मशरूम की खेती, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सा मूली लगभग 5 केजी का, तो वो मैं तीनों दिखाने जा रहा हूँ आपके पास। और मैं उस किसान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से निवेदन करूंगा कि इस किसान को प्रोत्साहित किया जाए ताकि यह किसान आगे बढ़ के लोगों को प्रशिक्षण दे और कृषक को ट्रेनिंग देते हुए किसान सुख और समृद्धि को प्राप्त करे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं सचिदानंद मिश्रा, प्रातः दर्पण न्यूज के लिए।